न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। आखिर लापरवाह मेथा सप्लाई इंस्पेक्टर रामचंद्र पर कब कसा जाएगा कानूनी कार्रवाई का सिकंजा। जी हां, कानपुर देहात की तहसील मेथा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बागपुर के कोटेदार विमला देवी व मेथा सप्लाई इंस्पेक्टर रामचंद्र की मिलीभगत के कारण गरीबों को नहीं मिल पा रहा है उनका हक। जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी अच्छी सुविधाओं को मुहैया कराया था, वहीं पर जो कोटेदारों को मशीनें दी गई थी, इन मशीनों से राशन वितरण किया जाएगा और इनसे कोई धांधली नहीं होगी। लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर रामचंद्र व कोटेदार विमला की मिलीभगत के कारण उस मशीन का इस्तेमाल केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया जाता है। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? मंगली। कहाँ रहते हो? अबनगर। अबनगर। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? बागपुर। बागपुर। क्या समस्या है आपकी? हमें गल्ला नहीं मिलता है, मतलब को उठा नहीं हमारे आते हैं। तो इसकी सूचना आपने अपने प्रधान को दी? वो प्रधान के कहा दम प्रधान के चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ तुम। कौन कहता है ये? वही मतलब कहा यहाँ जो है गल्ला बांटा। गल्ला बांटा था जो, तो गल्ला को बांटा था? जो गल्ला बांटते हैं उनके। गल्ला कौन बांटता है? बिमला। बिमला, अच्छा। तो ये क्या बोलती है? ये कहते हैं कि तुम्हारा उठा नहीं आता, हम नहीं देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रतनी। रतनी, क्या समस्या है आपकी? अरे गल्ला नहीं देते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपके कोटेदार का? बिमला। बिमला, कितना राशन देते हैं आपको? 4 किलो। 1 यूनिट 50। कितने यूनिट है आपके राशन कार्ड पे? 5 है। कितना टोटल राशन आपको कितना देते हैं? 20। दादी, क्या नाम है आपका? मुन्नी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही रहा कि 6-7 महीना गल्ला नहीं मिलो, फिर बाद में अब मिलन लगो। कितना देते हैं? 40 किलो। कितने यूनिट है आपके राशन कार्ड पे? 10। 10 पे कितना देते हैं? 40 किलो। तो 40 किलो क्यों देते हैं ये? उनसे आपने पूछा नहीं? जवाब अलग तो देता नहीं आई है। अच्छा, प्रत्येक महीने देते हैं आपको? मैं तहसील गए बाद महीना उनके ना गए ना उनका पैसा दिए कि तो माले भाई तुम पैसा किस पैसा किसने लिया है? हेमराज। हेमराज ये कौन है? हेमराज कौन है? जो कोठेदार के उनके घर के। तो कितने पैसे लिए इन्होंने? 100 रूपए लगाए थे, तहसील लगाए। प्रधान तो बोले तो बोले तहसील जाओ। अच्छा, तहसील में गए तो कविता है तो तहसील में यहाँ पैसा। अच्छा, मिट्टी का तेल लेते हैं आपको? 2 किलो। 2 किलो प्रत्येक महीने देते हैं? हाँ, तेल तो हर महीने मिलता। क्या नाम है दादा आपका? किशनु। किशनु, कहाँ रहते हो? अवनगर में। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? बागेपुर। समस्या क्या है आपकी? गल्ले की समस्या की, गल्ला कम दे। कितना देते हैं? हमका देते हैं 18 चावल और ये 18 किलो चावल, 14 किलो गेहूँ। कितने यूनिट है आपके राशन कार्ड पे? अब यूनिट तो 5-6 यूनिट पे कितना देते हैं? 18 किलो। शिवसेना युवा सेना भवानी सेना प्रयागराज के शिव सैनिकों ने युवा सेना राष्ट्रीय प्रमुख आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर संगम किनारे बड़े हनुमान जी के समीप गरीबों को भोजन वितरित कराया। महानगर प्रमुख शिव विशाल गुप्ता और जिला प्रमुख आलोक प्रताप सिंह के साथ समस्त पदाधिकारियों और शिव सैनिकों ने आदित्य ठाकरे के दीर्घायु के लिए बजरंग बली से स्तुति करके गरीबों प्रसाद स्वरूप भोजन वितरित किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख आलोक प्रताप सिंह, महानगर प्रमुख शिव विशाल गुप्ता, महानगर प्रभारी जितेंद्र गुप्ता, भवानी सेना प्रमुखा शानू केसरवानी, युवा सेना महानगर प्रमुख सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सोनू केसरवानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। आज का ये वितरण आप कर रहे हैं, ये क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है कि आज युवा सेना राष्ट्रीय प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट आदित्य साहब ठाकरे का जन्मदिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आज गरीबों को भोजन वितरण का कार्यक्रम किए हैं। गरीबों को भोजन कराया गया है। किसके उपलक्ष्य में? युवा सेना राष्ट्रीय प्रमुख आदित्य ठाकरे जी का आज जन्मदिवस है, उसके संदर्भ में आज ये कार्यक्रम रखा गया जो गरीबों को भोजन कराया गया है।
आपका नाम? मेरा नाम शिव विशाल गुप्ता, महानगर प्रमुख शिवसेना प्रयागराज। ये क्या आप हर साल कराते हैं? जी हम हर साल कराते हैं, जो भी इस तरह के हमारे यहाँ के कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह की सामाजिक गतिविधियाँ कर एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि हम फिजूल खर्ची से बचते हुए लोगों के सामाजिक कार्यों में अपने हाथ आगे लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। डीएम के आदेश, बिना हेलमेट के आप किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। आदेश को ताक पर रखकर पेट्रोल पंप वालों की खुलेआम चल रही है मनमानी। जी हाँ, उन्नाव कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर तिराहे के पास स्थित तिवारी पेट्रोल पंप पर नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जहाँ दिन में तो दिखावे के लिए लोगों को दूसरे का हेलमेट पहनाकर पेट्रोल दिया जा रहा है, तो वहीं एक तरफ रात में खुलेआम बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है। और जब हमारे पत्रकार इसकी जानकारी के लिए वहां पहुंचे तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी अभद्रता पे उतारू हो गए और पत्रकार का ही वीडियो बनाकर डीएम को भेजने की धमकी देने लगे। उन्नाव से हमारे संवाददाता अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम भी अपने हिसाब से हम भी कर रहे हैं, ठीक, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी जी जी, तो हम तो कहीं रहे भाई, हम तो कहीं रहे, हम तो कहीं रहे। 50 लोग को आप भर रहे हो, 50 मत दीजिए भैया, मेरे भाई मत दो। हाँ ठीक है, अरे तो हम अपना काम कर रहे हैं यार। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आपके यहाँ पेट्रोल भराने थोड़ी आया हूँ। मैं आपके यहाँ पेट्रोल भराने नहीं आया हूँ, ठीक है? आपके पास क्या रिकॉर्ड है? क्या रिकॉर्ड है? मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ यार, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ भीड़ लगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? मत दो मेरे भाई, मत दो, तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कर लेगा यार। ठेकेदार रमाकांत चौहान, RM डिजाइन कंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्ट नंबर 7007236954 एंड 9161673435, एड्रेस तिरौली सिकरौरा देवगांव आजमगढ़। अनीस अहमद प्रधान की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को ईद एवं निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम कस्बा देवगांव, पोस्ट देवगांव, जिला आजमगढ़, संपर्क मोबाइल नंबर 7379337610। समझौता क्यों, आज ही सबसे बढ़िया जनरेटर लाए ईचर इंजेंस, संपर्क करें 9649912120 9838766078। फ्री पत्रिका बांटे, 1,000 से 1,00,000 मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें fastnewsindia.co पर एवं संपर्क करें 9454194001 एवं 03 एवं 06 एवं 07 पर भी। निमंत्रण पत्र, संत कबीर साहिब जी का 621वां प्रकट दिवस सत्संग समारोह एवं विशाल शोभा यात्रा। पता, सत्य पंथ आश्रम नजदीक बाईपास तालाब रोड झंझर हरिद्वार। देखरेख संत इंद्रमणि साहिब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास जी महाराज। संकल्प ट्यूटोरियल्स, IIT JEE नीट 9th, 10th, 11th, 12th, TET SSC, बैंक, रेलवे। संपर्क करें 9335418689 एवं 9335720660 पर। दुबले पतले लड़के लड़कियां बच्चे, सेहत व वजन बढ़ाएं, बिबग्योर क्लिनिक, लखनऊ, लेखराज मार्केट 1, इंदिरा नगर, 9839022550। अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स 9th, 10th, 11th, and 12th, एनी बोर्ड, सेव योर इयर्स, NIOS, नेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू हॉरिजन्स, अपोजिट PDR मॉल, लक्सा, वाराणसी। कॉन्टेक्ट ऑन 7376061000 एंड 9451373839। मल्टीपल इंटेलिजेंस इनेबल करिकुलम, फॉस्टर किड्स प्ले स्कूल एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG, डे केयर, प्री स्कूल, एक्टिविटी सेंटर। एड्रेस नियर शिव शक्ति टेम्पल, दखपुरा, मुनि बुलंदशहर, UP 203131।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में ठेका मजदूर की मौत। जीडीसीएल कंपनी में ओपरा सी परियोजना में कार्यरत था मजदूर। मृतक मिजाउल अंसारी ग्राम बामा बड़ीहा झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। मजदूर हेल्पर के तौर पर सरिया शटरिंग का काम करता था। ओपरा थाना क्षेत्र के परियोजना का मामला है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता दिनेश उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार। ये मजदूर की मौत कैसे हो गई? सर मजदूर की मौत तो अभी हम घर से आ रहे हैं सर, मतलब रिलेशन से। अभी साइड पे तो हम 3 दिन से नहीं, क्योंकि शादी पड़ा था, हम वहीं चले गए। किस कंपनी में काम करते हैं ये? जीडीसीएल में। जीडीसीएल में। क्या नाम है ठेकेदार का? तसीन अब्दुल्ला। अच्छा, तो ठेकेदार को सूचना है? हाँ सर सूचना है, वो आएंगे। तो कितने देर पहले मौत हुई है ये? 5:30 बजे। 4:30 बजे करीब फोन किया हमारे पास। तो हमारा भी घर यहाँ से लमसम 60 किलोमीटर पड़ता है। मतलब क्या करते थे ये मजदूर? क्या करते थे? हेल्पर थे। क्या काम करते थे? सरिया सेटरिंग काम करते। सरिया सेटरिंग। तो कोई मारपीट की घटना भी सुनने में आ रही है, ऐसी कोई घटना है क्या? नहीं ऐसा कोई घटना नहीं। ऐसी कोई घटना जो यहाँ से बताया है, कोई ऐसा मारपीट घटना नहीं है। मतलब इनको तबीयत खराब के हमको जानकारी है। अच्छा, ये इनका नाम क्या है मजदूर का? मिजाउल अंसारी। और इनके परिजन आ रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं, हमसे बात नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे जो थे वो बोल दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये रहने वाले हैं बामा बड़ीहा। ये नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, झारखण्ड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, थाना में नगर। डॉक्टर साहब, एक मजदूर आपके यहाँ पावर प्लांट से आया है, उसकी मौत हो गई, क्या कारण है, कैसे मौत हुई? देखिए, जब पेशेंट आया तो 60 साल वाले आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये मार्केट में गिर गया, वहां से लोग उठा के लाए, तो वहां कोई आसपास नव जीवन हॉस्पिटल था, वहां जब वहां गए तो वहां असुविधा थी चीजों की, तो वहां से ये यहां पे लेकर आए। जब यहां पे आए थे पेशेंट पूरा डेथ था, उसके प्यूपल डायलेटेड और फिक्स थे। उसके बाद भी हमने कोशिश करी, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, ना पल्स आई ना कुछ, तब भी हमने CPR दिया, कार्डियक मसाज करी, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने इंट्राकार्डियक इंजेक्शन भी लगाया, तब भी रिस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट डेथ ही आया था। हमने लास्ट ट्राई करा कि शायद कोई उम्मीद जग जाए। तो क्या लगता है कैसे मौत हो सकती है? ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मैं कार्डियक मसाज दे रहा था, दाल चावल और पता नहीं जो भी उसने खाया था पदार्थ, सब निकल रहा था नाक और माउथ के थ्रू, तब भी हमने एम्ब्लोबैक सक्शन सब यूज करा। अच्छा, उसके शरीर में कोई मारपीट थी या कोई? नहीं, शरीर में कोई भी मार्क नहीं था, हमने चेक करा, अगर मार्क होता तो ब्लीडिंग होती, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था, पेशेंट डेथ ही आया था, उसके प्यूपल डायलेटेड फिक्स थे। हमने अपना लास्ट ट्राई करा कि मे बी शायद कहीं से कुछ किरण जागे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रयागराज थाना कचना में 1.5 माह पहले नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने अपहरण करने वाले आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। पीड़ित पिता ने निर्यात के लिए SDM कर्चना से लगाई बेटी को सकुशल लौटाने की गुहार। पूरा मामला कर्चना तहसील के अंतर्गत बसरिया गांव का है, जहां पर कक्षा 6 में पढ़ने वाली बालिका को स्कूल के ही मास्टर ने अपहरण कर गायब कर लिया। मामला 2 मई का है। बच्ची घर से यह कह कर गई थी कि स्कूल के टीचर मैम ने बुलाया है, जब वह शाम तक घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता सताने लगी, तो घर वाले सहित अन्य लोग विद्यालय में पहुंचे। वहां पता चला कि संतोष राव नाम के मास्टर के साथ गई है, शाम तक वापस नहीं आई। दूसरे दिन पीड़ित पिता थाने पहुंचकर तहरीर देने लगे, लेकिन कई दिनों तक पुलिस हिला हवाली करती रही। बाद में FIR दर्ज कर दिया गया, लेकिन 1.5 महीने बाद भी बच्ची को बरामद नहीं कर पाई पुलिस। इस मामले में पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित पिता को ही डांट कर भगा देती है। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। जी, नाबालिग लड़की है, तो हम लोग आज जा रहे हैं धरना कर, इसलिए आपसे बता कर फिर हुआ कि आप यहाँ की कैसे दफ्तर है, आपको सूचना दे दिया जाए। इसके अंदर अभी तक बताइए, एक भी मुझे गिरफ्तार नहीं हुआ, इस तरह की नौकरी कर रहे हैं, इस तरह से बताया जो भी। अब नाबालिग लड़की पता नहीं क्या आपकी साथ में है, उसके माँ का बुरा हाल है, वो आज कई से मई 2019 को अपहरण हो गया स्कूल के सामने से। स्कूल का टीचर संतोष राव और स्कूल प्रबंधक सूर्यमणि कुशवाहा, उनकी मैडम रीता कुशवाहा। मैं थाने में आया
थाने में सूचना दी, हिलाहाली करते हुए 3 तारीख को इन्होंने FIR दर्ज किया। उसके बाद से एक क्ल्यू मिला, एक नंबर मिला, स्कूल के मैडम से ही नंबर मिला। वो संतोष साहब बोला था 3 महीने पहले वो नंबर दिया था कि मैं अगर गर्मी में इस नंबर पे बात नहीं हो पाएगी तो इस नंबर पे बात होगी। लड़की गायब होने के बाद वो मैडम ने उस फ़ोन पे लगाया नंबर बात करने के लिए। पूछा, संतोष सर आप कहाँ हैं? बोला मैं कोराव में हूँ, जगह नहीं बताऊँगा। और बोला, सर आपके ऊपर ये लांछन लग रहा है कि आप जो दीक्षा को लेकर गए हैं। उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद वो रिसीव करना बंद कर दिया। जो भी रिसीव करता था तो दूसरा आदमी रिसीव करता था। उसकी लोकेशन निकाला गया। संजय यादव ने बताया है कि कोरांव थाने के पास में एक टावर है, टावर के पास जो है वो हिस्सी के आसपास है, वहाँ जाके पता किया गया। तो वहाँ अम्बेडकर गांव, अम्बेडकर गांव में मैं 3 घंटे के मेहनत के बाद फ़ोटो दिखाया बच्ची का कि ये बच्ची यहाँ पे दिखाई दी है। लोगों ने बताया कि ये राजेश के घर में है 3 दिन से, और कल मैं 4 बजे देखा, सुबह मैं नहीं देखा। ये थे के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।